तो आज हम बनाने वाले हैं रेजिन आर्ट। इसके लिए मैंने लिया है रेजिन, ये है मेरा रेजिन की ब्रांड, और ये है इसके साथ हार्टनर। इन दोनों को रेशो में मिक्स करना होता है। रेशो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद मेरे पास है ये सिलिकॉन मोल्ड जिसमें हम रेजिन डालेंगे, और ये इस शेप में हमारे कोस्टर्स तैयार होंगे। ये मैंने गोल्डन लीव्स लिए हैं। आपने देखा होगा गोल्डन जो हमारे बर्फ़ी पे गोल्डन या सिल्वर उस तरह के लगते हैं, एडिबल होते हैं, ये भी उसी तरह के हमारे पास लीव्स होती हैं। तो ये गोल्डन लीव्स है। इसकी कॉस्ट थी अराउंड 250 रुपीज़, और ये मुझे 25 पीसेस ऑफ लीव्स मिले हैं। रेजिन को एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में मिक्स करने के लिए हमें एक किचन स्केल चाहिए होता है, जिसमें कि ये हमें 0 ग्राम्स से स्टार्ट होके 1 kg तक का एकदम एग्जैक्ट मेजर देता है। तो हम इसका यूज़ करेंगे। मैं ये भी दिखाती हूँ कैसा होता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ओनली फॉर 350 बाय किया था। एंड लास्ट थिंग इज दीज 3 पिगमेंट्स, येल्लो, ऑरेंज एंड रेड। दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ ईच। ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है। इसके अलावा हमने लिए हैं मिक्सिंग के लिए कुछ कप्स। हम हर उसमें एक में एक कलर का रेजिन मिक्स करेंगे। और इसके साथ मैंने लिया है एक प्लास्टिक बैग, ये हम नीचे रखेंगे एज अ बेस, ताकि अगर रेजिन डिप करे या गिरे तो वो इस पे गिरे। अगर रेजिन टेबल पे गिरेगा तो वो उतरेगा नहीं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विद आर स्केल। ठीक है, ये मैंने स्केल निकाल लिया है। ये स्केल है और ये इसके सेल्स हैं। मैं सेल डाल लेती हूँ। इससे जो मेजरमेंट आएगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा, और उस वजह से हमारा रेजिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले रखते हैं 1 कप। ऑलराइट, अब कप डालने के बाद हम इसमें पहले रेजिन डालेंगे। रेजिन और हार्डनर दोनों अलग अलग है। पार्ट ए रेजिन, तो हम सबसे पहले डालेंगे रेजिन। मैं बहुत ज़्यादा रेजिन नहीं डालने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राम्स चेंज हो रहे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा ये 3 ग्राम हो गया है, 4 ग्राम, 5, 6, 7, ओके एंड 8 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि 8 ग्राम हमने रेजिन डाला है, तो अब हम इसमें सिर्फ ये जो हार्डनर है, हार्डनर है आपका बी हार्डनर, हार्डनर हम सिर्फ डालेंगे 4 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो ग्राम्स है ये 8 हो चुके हैं, इसमें 4 ग्राम और डालूँगी और ये हो जाएगा 12। ये बहुत आराम से डालना है, क्योंकि इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा और एकदम से यहाँ पर वेट दिखाएगा कि ज़्यादा हो गया। 11, 12, देखिए 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके, मुझे पता है उसे डाइल्यूट कैसे करना है। तो 1 ग्राम ऊपर नीचे हाँ हो जाता है। ये हमारा रेजिन हो गया है। अब हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैंने एक ये वुड का स्टिक लिया हुआ है। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं जो वुडन हो, जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल भी होता है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि हमें एंड में फेंकना है। रेजिन का काम करने से पहले ग्लव्स प्लीज़ पहन लें। मैंने ग्लव्स अभी तक नहीं पहने, क्योंकि मिक्सिंग का मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ ग्लव्स पहन के करें। रेजिन हाथ में लगना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तरह का केमिकल होता है। ऑलराइट, देखिए आपको दिख रहा है। ऑलराइट, अब इसमें हम डालेंगे पिगमेंट।
तो अभी जो मैं पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ वो है ऑरेंज पिगमेंट, ये रहा, ये सील पैक भी है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, और ये ऑरेंज कलर है। ओके सो लेट्स ओपन इट। ओके, दूसरी चीज़, पिगमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पिगमेंट बहुत ही कम यूज़ होता है। इसके लिए मेरे पास ये नाइफ है, मैं नाइफ से इसको डालूँगी। ओके, ये मेरा एक्रेलिक कलर का नाइफ है, तो मैं सिर्फ पिगमेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंट हमें नहीं चाहिए होता, इतना पिगमेंट काफ़ी है। देखिए, और देखिए इसमें से पिगमेंट से कलर देखिएगा, अभी सी हमने बहुत थोड़ा सा पिगमेंट यूज़ किया था, इसीलिए पिगमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है, 100 रुपीज़ का आपको बहुत कम ग्राम्स मिलते हैं। बट ये देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसे रखते हैं। अब मैं दूसरा कप तैयार करती हूँ। ऑलराइट, इसे सेट करते हैं दोबारा। ऑलराइट, ज़ीरो दूसरे इसमें मैं डालूँगी, ये मेरा क्लियर रहेगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ये क्लियर रेजन रहेगा। तो ये डल गया है 10 ग्राम, इसके साथ 5 ग्राम हार्डनर। बारह 13 14 और बहुत थोड़ा सा और, ओके, हार्डनर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10:10 का रेशो हो गया, तो ऑब्वियसली मुझे रेजिन थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने कहा, मुझे यूसेज की आदत है, तो फॉर मी इट्स फाइन। ठीक है, इसको भी अब मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और मैं आपको एक और लास्ट बना के बता देती हूँ, जो जिसमें कि हमारी गोल्डन लीव्स चलेंगी। ऑलराइट, अगेन रेजिन, इस पर मैं बहुत ज़्यादा रेजिन नहीं यूज़ कर रही हूँ, 8 ग्राम रेजिन है और 4 ग्राम हार्डनर। एग्जैक्ट आ गया, डन। अब हम अपनी लेते हैं गोल्डन लीव्स, ये गोल्डन लीव्स हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ट्राई कीजिए सिर्फ उतनी ही यूज़ करने का जितना आपको चाहिए, वरना ये वेस्ट होती है और वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी हो सकता है, अगर आपकी नोज़ सेंसिटिव है, अगर आपकी नाक सेंसिटिव है, तो हो सकता है कि आपको हार्डनर की जो स्मेल है उससे प्रॉब्लम हो, तो मुँह पे कोई कपड़ा बांध लें या मास्क लगा लें, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं इसका काम काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारी पूरी वो हैं, हमें सारी नहीं निकालनी है, तो इसलिए हम ओके ये रहा हमारा गोल्डन।
अब इसे करने का एक तरीका होता है, क्योंकि मुझे ये पूरी नहीं चाहिए तो आई विल ट्राई कि ये मैं आधे में ही यूज़ करूँ, आधे ही यूज़ करूँ। तो मैं इसको यहीं पे कुरेद रही हूँ। पूरी शीट निकाल के वापस लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं पूरी शीट नहीं निकाल रही। सो ये मेरी शीट यहीं रहेगी। ऑलराइट, बाकी हम ये ले लेते हैं। हम उसे अभी मिक्स कर लेंगे। हम इसे करते हैं वापस पैक। मेक श्योर ऑन द स्पॉट आप इसे वापस पैक कर दें, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है, ये ख़राब हो सकता है और आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपको ये दोबारा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको पैक करते हैं दोबारा से सही कंडीशन में। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ट्राई कीजिए इस पर डैप डैप करके आप मिक्स करें, ताकि इसके टुकड़े हो जाएं। हमें इसके टुकड़े ही चाहिए। ऑलराइट, पाउडर नहीं करना है, बस हमें इसके फ्लेक्स चाहिए। ये देखिए फ्लेक्स आ गए हैं। ओके, ये हमारा एक और तैयार हो गया है। एक लास्ट और बनाते हैं, जिसमें कि जो हम पिगमेंट है वो रेड यूज़ करने वाले हैं। लास्ट अगेन 8 ग्राम रेजन। ओके, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मैंने वापस डाल दिया है, क्योंकि एक्चुअली में मुझे आता है। ओके, 16 अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसमें डालते हैं हार्डनर। हो गया, 2 ग्राम हो जाएगा। इसको बहुत ही संभल के करना होता है। ठीक है, हो गया, मेरा एग्जैक्ट अमाउंट आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड पिगमेंट। ठीक है, खोल लेते हैं रेड पिगमेंट को भी। थोड़ा मैंने जल्दबाजी में खोल दिया। अगेन मैंने पिगमेंट ले लिया है, पिगमेंट इसमें डालते हैं। ठीक है, नाइफ़ से मत मिलाइएगा, मुझे रेजिन हटाना आता है, इसलिए मैंने अपने नाइफ से मिला लिया है। ठीक है, मैं इसे हटा लूँगी अभी, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट नाइफ़ से कभी भी रेजिन नहीं मिलाना है, नाइफ़ पे चिपक जाएगा और उतरेगा नहीं। ऑलराइट, तो हमारे 4 ये पूरे हो गए हैं। ओके, मैंने ग्लव्स डाल लिए हैं, बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं दूसरे ग्लव्स के साथ काम करती हूँ, वो भी मिल नहीं रहे हैं। तो ये मेरे ग्लव्स हैं, डॉक्टर ग्लव्स, किसी भी मेडिकल शॉप के आपको मिल जाएंगे। तो अब हम अपना मेजरिंग ये हटा लेते हैं और अब हम अपना लगाते हैं प्लास्टिक पैक। ओके, क्योंकि हमें अपना सर्फेस ख़राब नहीं करना। ये हमारे मोल्ड्स हैं, मोल्ड खोल लेते हैं।
मेक श्योर कीजिएगा आप हर किसी का कवर संभाल के रखें, अपने जो मोल्ड्स हैं वापस से उसी में ही पैक करके रखें, क्योंकि मोल्ड बाहर बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, तो हमें इसको ख़राब नहीं करना। ये हमारे दोनों मोल्ड हो गए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑरेंज। एक साइड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऑरेंज डालेंगे। ये क्लियर रेज़िन है, इस ड्रॉप को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, एक टिश्यू से। ये टिश्यू है और टिश्यू को इस तरह से करके ये भी हटा दिया, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम क्लीन और बहुत ही सुंदर बनाना है। ये सब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब हमारे क्लियर रेज़िन की बारी है, अब हम यहाँ पे डालेंगे क्लियर रेज़िन। ऑरेंज वाला इकट्ठा हो गया, ये हम पूरा यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप है, हमें बीच में एक गोल्ड की लाइन बनवाना है, दैट इज इट। ठीक है, अच्छे से सेटल डाउन करो, सेटल डाउन करने के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑरेंज की तरफ नहीं जाना है, ओके, वरना ऑरेंज कलर पूरे यहाँ तक फैल के आ जाएगा, हमें वो नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप हल्का सा देख रहे हैं ऑरेंज में मिक्स हो गया, ये नहीं करना हमें, ठीक है। ब्यूटीफुली पार्टीशन हो गया दोनों तरफ। अब इसे इसकी जगह से नहीं हिलाते हैं, ठीक है, और बहुत हल्के से मूव करेंगे। अब हम अपना बनाते हैं दूसरा कोस्टर। इसके लिए हमने रेड कलर लिया था, ऑल राइट। हम रेड डालेंगे कॉर्नर्स पे, बहुत ही आराम से और धीरे से डालना है। एकदम कोने पे डालने की कोशिश मत करना, पूरा बाहर आ जाएगा। कोने से थोड़ा सा आगे डालेंगे, वो अपने आप कोनों में सेटल डाउन हो जाएगा।
reason. Okay, and now golden. इसे सेंटर में ही रखना है, ये रेजन के साथ फैलने लगेगा तो उसको हम ट्राई करेंगे। ये देखो ये खुद फिल हो रहा है। अब एक चीज जो हमें करनी है, क्लीन करते हैं। अब इस डिज़ाइन के लिए मैंने टूथपिक लिया है और बहुत ही हल्के हाथ से हम ये रेड वाले को अंदर की तरफ लेके आए, सी बिल्कुल एक फ्लावर की तरह। बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करना है तो ख़राब हो जाएगा। ट्राई करना गोल्डन लीव्स इस पर ना लगे। तो हमारे दोनों बन गए हैं। अब ये सूखने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा इन्हें, तो मैं 2 दिन बाद दोबारा से ये वीडियो शूट करके और आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। और सारे अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डे टू डे अपडेट करती हूँ और वहाँ पे आपको और भी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सो फॉर टुडे वी आर डन। अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। रखने से पहले ध्यान रखना कि आप इसके ऊपर कोई भी कवर रखें, मींस कोई भी स्टैंड जो कि यहाँ से ऊपर हो और उसके ऊपर कुछ रख दें, क्योंकि इस पर अगर धूल गिरेगी तो इस पर धूल चिपक जाएगी और इसका जो क्लियर फिनिश है वो नहीं आएगा।